फाइनली बहुत ही लंबे समय के बाद बिटकॉइन का जो प्राइस है करीब $42,000 को टेस्ट करके आया है। लंबे समय के बाद $41,000-$42,000 का जो एक रेजिस्टेंस बना हुआ था वो ब्रेक हो चुका है। और सबसे बड़ा फायदा अभी हमें ये होगा कि अभी यही रेजिस्टेंस अपना एक खुद को सपोर्ट बनाकर चलेगा, और इससे पूरी उम्मीद है कि बिटकॉइन का प्राइस अभी $45,000 को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। और हमेशा की तरह बिटकॉइन के साथ बढ़ते ही यहाँ जितने भी ऑल्टकॉइन्स हैं वो भी एक अच्छा सर्च ले रहे हैं। बहुत से कॉइन्स अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं इस वक्त, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं अगस्त के टॉप 5 कॉइन्स के बारे में, जिनको आप आज अभी परचेज कर लेते हो तो आपको अगस्त में अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा, क्योंकि इसके पीछे कई सारे रीज़न हैं। तो बहुत से ऐसे टोकन्स हैं जिनके बहुत अच्छे इवेंट्स आ रहे हैं। तो हमेशा की तरह जितने भी ऑल्टकॉइन्स हैं वो इवेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, फंडामेंटल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। टेक्निकल्स की बात करें तो उसकी हम सीरीज लेके आने वाले हैं। शायद आज आपको पहला वीडियो दिख जाएगा जिससे हम रेगुलर बेसिस पर आपको वीडियोस देने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। बेसिक से हम शुरू करेंगे कि आपने ग्राफ को कैसे देखना है, कैंडल्स को कैसे देखना है, हर चीज को कैसे देखना है, परखना है, पैटर्न्स कैसे बनाने, हर चीज हम सीखने वाले हैं, सिखाने वाले हैं। लेकिन अभी अगस्त का महीना शुरू होने वाला है तो अभी हमारे लिए बहुत सही टाइम है कि आज अगर हम उन कॉइन्स को बाय कर लेते हैं जिनके इवेंट्स अगस्त के फर्स्ट वीक में भी हैं, पूरा अगस्त हमें अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। और इससे पहले भी मैंने कुछ एक से लेकर 3 कॉइन्स आपको पहले मॉर्निंग में बता दिया हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, चैनल के ऊपर। तो आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे वॉल्फ ट्रेड ऑफिशियल और वॉल्फ ट्रेड डिस्कस के, जहां आप किसी भी कॉइन के बारे में डिस्कशन भी कर सकते हैं हमारे ट्रेडर्स के साथ। क्वार्टर 3 और अगस्त की स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो कौन से 3 ऐसे कॉइन्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो में, तो इसको अभी से लाइक कर दो, और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो अभी से वॉल्फ ट्रेड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि अब तक सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो सबसे पहला जो कॉइन है, हमेशा की तरह सभी ऑल्टकॉइन्स का बाप इथेरियम ही है, यानी कि इथेरियम आपको यहाँ बहुत अच्छा प्रॉफिट देने वाला है, जिसका करंटली जो प्राइस है वो $2,400 के आसपास चल रहा है। यही कॉइन हमने बेरिश मार्केट आने से पहले $4,000 टेस्ट करते हुए देखा है। तो जितने भी डिफाई प्रोग्राम्स हैं, जितने भी डैप्स हैं, वो सारे बिल्ड किए जाते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो बिल्ड किए जाते हैं ERC-20 के ऊपर, इथेरियम के ऊपर। लेकिन इसका सबसे बड़ा इवेंट आने वाला है जो हम करीब 7 से 8 महीने से वेट कर रहे हैं, कि इथेरियम बहुत ज़्यादा अभी करीब पहुँच चुका है इथेरियम 2.0 के। अगस्त 4 को पूरी उम्मीद है कि अभी एक फाइनल टेस्टनेट लॉन्च होने वाला है जिससे भी एक अच्छा इंक्रीज दिखेगा। तो यहाँ कुछ मिनिमम वैलिडेटर्स की लिमिट है, जैसे कि 16,384 वैलिडेटर्स चाहिए। जैसे ये रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी तो यहाँ टेस्टनेट फाइनली लॉन्च होने वाला है। तो इसका अभी सबसे बड़ा फायदा ये होने वाला है कि जैसे ये फाइनल टेस्ट सक्सेसफुल हो जाएगा, उसके बाद हमें मेन नेट भी हो सकता है कि अगस्त के अंदर ही देखने को मिल जाए। तो इथेरियम के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ हमेशा की तरह, तो आपको ये बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। नेक्स्ट कॉइन की बात करें तो BZX के नाम से है, BZRX के नाम से भी है, यानी कि BZX प्रोटोकॉल है। ये बहुत पावरफुल फाइनेंशियल प्रोटोकॉल है जहाँ लेंडिंग की जाती है, बोरोइंग की जाती है। ये प्रोटोकॉल भी इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर बिल्ड किया गया है। तो इसके प्राइस में इंक्रीज आने का कारण ये है कि ये अभी इसका रीलॉन्च होने वाला है अगस्त के महीने में। तो एक्चुअल में क्या है कि बहुत से हैक्स हुए थे इस टोकन को लेकर, क्योंकि इसमें फंड्स बहुत ज़्यादा थे लास्ट ईयर में। तो अभी ये प्रोटोकॉल इनकॉर्पोरेट कर रहा है चेन लिंक के ओरेकल के साथ और रीलॉन्च होने वाला है इस महीने में। तो रीलॉन्च के साथ साथ इसमें बहुत बड़ा प्राइस पंप हमें देखने को मिलेगा। करंटली इसकी वैल्यू $0.2 के आसपास है और ये बहुत अच्छा प्राइस सर्च लेने वाला है। तीसरे कॉइन की बात करें तो वो है BLZ, यानी कि ब्लू जेले। ये एक डाटा बेस स्टोरेज सोल्यूशन है। तो जितने भी वर्ल्ड की एप्स हैं, डिसेंट्रलाइज डाटा बेस सर्विस उनको प्रोवाइड की जाती है इस प्रोटोकॉल के द्वारा। तो इसका भी बहुत बड़ा इवेंट आ रहा है अगस्त के महीने में। फेज 1 लॉन्च होने वाला है मेननेट का अगस्त महीने के अंदर। तो एक्चुअल में जो इसका मेननेट है वो 2 फेजेस में स्प्लिट किया गया है। तो फर्स्ट फेज जो होगा वो अगस्त 8 को आने वाला है। इससे क्या होगा कि जो पब्लिक स्टेकिंग है वो इनेबल कर दी जाएगी। स्टेकिंग करने पर आपको यहाँ BNT स्टेकिंग अवार्ड्स भी मिलने वाले हैं। इसी के साथ फेज 2 भी आएगा मेननेट का, जो September 8 के आसपास आएगा। तो 2021 का जो पूरा क्वार्टर है उसमें हमें ब्लू जेले में बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखने को मिलेगा, क्योंकि अगस्त में फर्स्ट फेज एंड सितंबर में सेकंड फेज आएगा। यही कारण है कि ये बहुत अच्छा कॉइन है हमारे फ्यूचर के लिए। तो अभी हम बात करेंगे 4th कॉइन के बारे में। 4th कॉइन हमारा है आवे टोकन, जो है No. 1 डिफाई लैंडिंग प्लेटफॉर्म। करंटली इसकी वैल्यू $300 प्लस चल रही है। हमेशा की तरह मैं आपको बोलता हूँ कि आवे को अपने पोर्टफोलियो में कुछ परसेंटेज हमेशा रखो। एक्चुअल में क्या है कि जब भी आवे में डिपॉजिट किए जाते हैं फंड्स या फिर बोरो किए जाते हैं, तब यूजर्स को कुछ ना कुछ टोकन्स प्रोवाइड किए जाते हैं इक्विवेलेंट टू द वैल्यू। इसी के साथ आवे की अगर हम पैसिव इनकम की बात करें, APR की बात करें, वो बहुत अच्छी जा रही है।
एक्चुअल में क्या है कि अगर हम पूरे क्वार्टर थ्री की भी बात करते हैं 2021 की, तो यहाँ फिफ्थ बेस्ट पीक है आवे, तो आवे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला है। इसी के साथ अब हम बात करेंगे हमारे फाइनल कॉइन के बारे में, जो है फिफ्थ कॉइन। इसके अलावा भी एक और कॉइन है जो हम आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर बताने वाले हैं, टेलीग्राम चैनल के ऊपर बताने वाले हैं। दोनों लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो अभी से वहाँ ज्वाइन कर लो। तो फिफ्थ कॉइन क्या है कि BNB हमेशा के लिए एक बेस्ट कॉइन है। तो बाइनेंस का अपना खुद का एक नेटिव कॉइन है BNB के नाम से। तो अभी क्या है कि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स के लिए या फिर बहुत सी कंट्रीज में बाइनेंस एक प्राइमरी प्लेटफॉर्म बन चुका है ट्रेडिंग के लिए, एक्सचेंजिंग के लिए, जहां आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दिया जाता है गैस फी के ऊपर, ट्रांजेक्शन फीस के ऊपर, ट्रेडिंग फीस के ऊपर। तो 2021 में हमने ऑलरेडी इसको $25 से $600 प्लस जाते हुए देखा है सिर्फ 4 महीने के अंदर। एंड अगर हम इसकी टीम की बात करें, बाइनेंस के जो फाउंडर हैं CZ, वो हमेशा एक्टिव रहते हैं। तो ऐसे कॉइन्स या फिर ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हमेशा एक्टिव रहते हैं, उनमें हमें भी एक्टिव रहना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए, अच्छा प्रॉफिट निकालना चाहिए। तो BNB की आज भी अगर आप थोड़ी सी क्वांटिटी बाय करके रखते हैं, तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा आने वाले समय में। तो ये जो आखिरी दो कॉइन्स मैंने आपको बताए थे, ये आपको क्वार्टर थ्री में अच्छा प्रॉफिट देंगे। लेकिन इसी के साथ एक और कॉइन है जिसको लेकर मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। ऑलरेडी मैंने एक हमारे टेलीग्राम के ऊपर पोस्ट डाल दिया, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस कॉइन के ऊपर चाहिए, किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, किसका फंडामेंटल या टेक्निकल एनालिसिस चाहिए, नीचे कमेंट जरूर कर देना। और आज डिस्ट्रीब्यूशन है WRX कॉइन का, वो हम गिव अवे जल्द ही प्रोवाइड करने वाले हैं। अभी भी अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो आपको सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगी। तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, और हमारे चैनल वॉल्ट्रेड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि अब तक सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।